दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूँ। एक शिकन भी माथे पे ना आए मेरी जान, तेरी आई मैं मर जावा, जुड़ी नाम तेरे कर जावा। सुने वो सुने यादों की बारात है ये भी एक। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मेरी है वो। और क्योंकि इतनी सख्त बाहर गर्मी है, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है कि कहीं बाहर मैं इस वक्त तो बिल्कुल नहीं निकल रही, और कुछ और उस तरह से नहीं था मेरे पास कुछ और बताने वाला, तो मैंने कहा आज ये वादा पूरा करते हैं ज्वेलरी वाला। अच्छा जी, क्रॉस स्टिच वाली पॉकेट वाला सूट मेरा रेडी हो गया है, वो मैं लेके आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। माँ साहब ने तैयार कर लिया है लेकिन मैं ले नहीं सकी उनसे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो अपनी ज्वेलरी दिखाने के लिए मैं आई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का भी एक फ्रेश टूर होने वाला है जो जल्दी ही करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला, घुमा के दिखा अच्छा जी, तो अच्छा उसके अलावा मैंने कहा था कि मैं आपके साथ बाल टाई करने के लिए अच्छी एक्सेसरीज शो कर। मेरी ना एक बहन है जो बहुत ही अच्छे हेयर स्टाइल्स वगैरह बना लेती है, मतलब जूड़े वूड़े और ये वो सब कुछ, तो कभी उससे सीखूंगी तो फिर आप लोगों को भी सिखाऊंगी। आज मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो है अपना ये वाला बो वाला क्लिप। आई विश नज़र आ रहा हो प्रॉपर, मैं करीब होती जाती हूँ। ये ब्लैक बो है और इसके ऊपर छोटे छोटे डायमोंडीज लगी हुई हैं, ब्लैक ही लगी हुई हैं ये। हाँ, यहाँ से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। दो तीन और भी मेरे पास हैं जो बाल टाई जो मैं कर लेती हूँ, वो आपके साथ बन मैंने शेयर किया था थोड़े दिन पहले। ये वो मेरी बहन लेकर आई थी मेरे लिए सऊदीया से, तो वो ये मैंने किया। पता है, एक तो गर्मी कम लगती है, दूसरा बाल सिमटे हुए रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ बैठ के आपको नीचे दिखा रही हूँ, और बाय द वे नीचे बैठना बहुत हेल्दी होता है। मैं खुद अपने कमरे में उस नीचे बैठती हूँ, एक अगर आपको कमर की दर्द या कुछ हो वो ठीक हो जाता है, आपकी टांगें वगैरह फिट रहती हैं और आप कंफर्टेबल, अगर नहीं बैठ सकते ना इट मीन्स आप फिजिकली फिट नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा थोड़ी देर नीचे बैठना, लेटना कमर में दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जो नीचे वाला है ना, थोड़े दिन आप नीचे सोएं तो बहुत अच्छा रहता है। ये है मेरे ज्वेलरी बॉक्सेस, ये दो, और ये आइकिया के हैं। और अच्छा, जो मैं नीचे बैठने का आपसे कह रही थी ना, वो मैं चप्पल उतार दूँ पहले, नीचे आइकिया के। और ये है वो वाला मेरा बॉक्स जो ट्रंक्स वाले वीडियो में वैसे दोबारा भी कर लूँगी, जिन्होंने पहले मुझे नहीं ज्वाइन किया हुआ। ये ट्रंक मैंने बनवाया था अपनी बेटी के लिए, उसके वेडिंग ड्रेस वगैरह उसमें पड़ा है। एक मैंने उसके भेज दिया था इन लॉज में, उसके कमरे में कराची में पड़ा हुआ, और एक मैंने मरियम को दिया था उसके ड्रेस के साथ जो उसका था निकाह का ड्रेस उसमें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज्वेलरी की तरफ। आजकल ना गर्मी से सबके हालात ख़राब है। अभी मुझसे नवीद ने कहा कि खाना खा लें, तो मैंने कहा अभी नहीं, मैंने अभी चाय पी है, थोड़ी देर के बाद पीती हूँ, खाना खाऊंगी। तो वो चाय बना के ले आया, तो मैंने कहा था अभी नहीं, वो कहते अच्छा मुझे लगा आपने चाय नहीं पी है। गर्मी से सबके दिमाग ख़राब हुए हैं, तो प्लीज़ ड्राइविंग करते हुए और घर में गर्मी की वजह से अपने आप को ना ज़रा सा पानी शानी पिए, हाइड्रेटेड रखें और ठीक रहे। स्टार्ट कर रही हूँ अफगानी ज्वेलरी से जो मेरे पास है। अच्छा, जो ये वाली ज्वेलरी है ना सारी मेरी, ये बहुत बहुत साल पहले की है, पुरानी है। और क्योंकि आज अब लेटेस्ट तो मैंने कम ही लेती हूँ ये चीज़ें, पहले तो मैं बहुत लेती थी, बहुत लेती थी। ज़रा सा मेरे पास कुछ होता था और पैसे वैसे या कोई चीज़ अच्छी लगती थी तो मैं जाके, पैसे तो पहले होते ही थे, जाके ले लेती थी मैं।
इनको ना मैंने इस तरह के पाउचेस में ना अलग अलग से रखा हुआ है और ये पाउचेस डिफरेंट जगहों से, इनका पहले जरा अफगानी जूलरी अपनी निकाल लूँ। अच्छा मेरे पास क्लचेस भी हैं जो अफगानी वाले, वो भी मैं मिला के दिखाती हूँ आपको। ये है और भी हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ मेरी बहनों के पास पड़ी हुई हैं, कुछ मेरी यहाँ पड़ी हुई हैं। खैर एनीवेज जो अभी मेरे पास चीज़ें वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा पहले ये तो आप ऐसे ही देख लें, फिर मैं आपको बारी बारी निकाल के दिखाऊंगी। अच्छा ये है मेरा चोकर, बहुत पसंद है मुझे, बड़ा ट्रेडिशनल सा इसके अंदर का। मैं देख रही हूँ कॉइन नहीं है, या फिर रिपेयर करवा लेंगे उनको जाके, देखिए उनके बाहर ही रखती हूँ ले जाऊँगी। ये मेरा चूड़ा है जो कि बड़े मैंने उसके साथ, अच्छा मैंने और खदीजा ने इसमें ट्विनिंग की थी, हम दोनों ने लिया था। और ये बेचारे पहले वो खान इतने अच्छे थे, वो इतना ढूंढ, मेरा साइज इतना छोटा है उनका कि वो बेचारे ढूंढ ढूंढ के कहीं से लाए थे। तो ये चूड़ा हम लोगों ने सादिया की शादी पे, मेरी छोटी बहन की शादी पे, मैंने और खदीजा ने हमने पहना था दोनों ने। खदीजा तो थी मेरे ख्याल से 8 साल की उसकी शादी पे, लेकिन हम दोनों ने थोड़ी ज्वेलरी की टच वो की थी ट्रेनिंग। ये सबको बहुत पसंद आया था, इतना ज़्यादा लोगों ने लिखा था कि आपने कहाँ से लिया है। ये आयत अल कुर्सी है जो अकीक पे लिखी हुई है और ये हाथ से लिखी हुई है। और ये मैंने ली थी इनसे, अपने पानी भाइयों से ही ली थी मैंने। अच्छा जी ये मेरे एयरिंग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद हैं। और ये झुमके हैं छोटे छोटे से, उसके नीचे चेन से, सिंपल है, कोई उसमें स्टोन कुछ नहीं है। और ये मेरे बहुत पहले के हैं, ये सारी जो अभी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ सारी बहुत पहले की। अच्छा इस बहाने मैं ज़रा सा ऑर्गेनाइज करती जाऊँगी अपनी चीज़ों को, रखूँगी बाद में। ये मेरे पाजेब हैं और इसमें भी 2 तरह के पाजेब थे, पाजेब पहन और एक ये 2 थे मेरे पास पाजेब। ये देखिए कितना प्यारा, एक ज़माने में मैं शलवार कमीज़ों के साथ पाजेब भी ज़रूर ही पहनती थी, बल्कि मेरे पास गोल्ड के पाजेब भी थे और वो मुझे याद है कि 8 तोले के थे वो पाजेब। और चेन्स थी जो मैंने चेन्स को कटवा कटवा के बनवाया था, तो अब नहीं है मेरे पास। एनीवेज पानी छूट गया, मैं बाकी के लिए आती हूँ। अच्छा एक और चीज़ ना मेरे पास जो बहुत ही मुझे एक्सक्लूसिव लगती है, मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं है। हमारे पास ना अम्मी के पास एक खातून काम करती थी, उसका नाम था ताज, ताज थी पठान, बहुत हुनरमंद थी और वो ऐसे मोतियों का काम करती थी, कितना प्यारा है ये। तो मैंने ना ताज से ये बनवाए थे अपने गले में पहनने के लिए। अच्छा अब मुझे है, अब मैं कभी कभी लॉन के सूट्स के साथ पहना करूँगी, देखिए कितने प्यारे हैं। और ये वही अगेन मैं पाजेब बहुत पहनती थी, पाजेब हमने, अच्छा हम सारी बहनों ने बनवाए थे, हमने बटन्स की पट्टियाँ बनवाई थी उनसे, ये थी। फिर ताज ने भी बड़ी चीज़ें बना के दी, देखिए। अच्छा इसको ये लूप्स और ये मैंने बाद में ना, ये ताज ने खुद बनाया था और ये भी क्योंकि बेचारी वो ऐसे हाथ से बनाती थी ना, ये वो डोरी बनाती थी साइड पे बांधने के लिए गले में। और एक और चीज़ जो मैंने ताज से बहुत सारी बनवाई थी वो ये था, मैंने लास्टिक में ना ये मोती डलवाए थे, ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। और देखिए हैं कितने सारे, ये सारे पहले इकट्ठे करके मैं निकाल लूँ फिर दिखाती हूँ आपको कि कितने हैं सारे हैं। बड़े मैंने ना इस तरह की चीज़ें ज्वेलरी का तो मुझे और जो मेरी सब वैसे बहन है ना नादिया, हम दोनों को इतना शौक था कि बस सही है कुछ जी। ये भी ताज ने इसने बना से मैंने बनवाया था, ये ग्रीन था और इसको ना मैंने फिर ये पीछे जो इसके बटन ये बंद होने वाला है ना, ये मैंने फिर अपने ज्वेलर से लगवा लिया था, उन्होंने लगा दिया था। ये है, अच्छा ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये मैंने ताज से बहुत सारे बनवाए थे और ये ऐसे हाथ में पहनते क्या मैं पहनती होती थी इतने सारे गुच्छे। इनका ताज जो घर में तुम्हारे मोती बच गए हैं ना मुझे ये बना दो। ये मैं उन दिनों ना फैशन आया था बहुत हाफ स्लीव्स का, इतने बाजुओं का, जो कि अब नहीं है इतना, लेकिन उन दिनों बहुत आया हुआ था। तो ये मैंने
अपने हाथ में पहनने के लिए उससे बनवाए थे। पहनू सारे के बाद चलो बाद में पहन के दिखा। तस्वीर भी मैंने ताज से बनवाई है, वो भी पड़ी हुई, और वो फिर सॉरी ताज से नहीं, वो अफगान भाइयों से बनवाई थी, और वो तो मैंने फिर सबको इतनी पसंद आई। मेरी एक बहुत प्यारी आंटी है, मेरी फ्रेंड जो गुड़िया, उसकी मदर और आंटी रॉली, उनको पसंद आई, उनको बना के दी, समीना बाजी को, रुबीना बाजी को, उन सबको मैंने बनवा के दी थी। फिर तो ये है मेरी मोतियों की चूड़ी सारी। अच्छा ये बीड्स मेरी अम्मी के थे, ये भी मैं पहनती हूँ कभी कभार जब इस तरह का सूट होता है। और ये देखिए तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, इतने हैं मेरे पास। अच्छा हाँ ये वो, ये गले के हैं दो चेन्स, इनको भी मैं ठीक करके रखूँगी। अच्छा जी ये कलर वाले बीट्स थे खदीजा के उसको भी साथ साथ में इसके लिए बनवाती हूँ। ये है मेरी मोतियों की ज्वेलरी। ये भी मेरी अम्मी की है माला पर्ल्स की, ये दोनों मेरी अम्मी की, ये भी पर्ल्स की, मेरी अम्मी की नहीं, ये पर्ल्स की अम्मी वाली नहीं है, अम्मी वाली अंदर पड़ी हुई है। ये आबिद ने दी थी मुझे जब मैं पहली दफ़ा आबिद के पास अपने ससुराल से हुई थी, तो मैं जब उधर गई थी तो आबिद ने ये मुझे पर्ल्स मंगवा के दिए थे। ये दोनों आबिद ने मंगवाया है ना आबिद जी, वो है ना जो आप बीजिंग से लाए थे, जो आबिद बीजिंग से लाए थे ये वाले दोनों पर, क्योंकि मुझे पर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये आबिद वहाँ से लाए थे। अम्मी वाली मैं दिखाती हूँ आपको, अंदर है वो भी, एक छोटी सी है माला मेरे पास जी। ये हो गया, और हाँ तो ये भी मैंने ताज से बनवाए थे इयररिंग्स। दूसरा भी क्यों पड़ा हुआ है इधर, ये कि मैं निकाल इसको पहन लूँ। हाँ जी ये पानी ज्वेलरी का ये भी पीस है, ये देखिए कितना प्यारा है। इसके साथ फिर वैसे कोई कलर माफ नहीं किया मैंने लॉन के प्रिंटेड सूट्स के साथ ना। ये दो मैंने लिए थे, मैंने ना एक ज़माने में क्या किया, मेरी जो कज़न है ना नायला बाजी, उन्होंने वो करी थी डिप्लेक्स से कोर्स ब्यूटिशियन का ना, मेकअप का और सब को, तो उन्होंने उन्हें मॉडल चाहिए होती थी, और मैं और नादिया रोज़ जाते थे उनके मॉडल बनने के लिए, बड़े एक्साइटेड होते थे। तो वहाँ उन्होंने हमारे बाल पाम कर किए दोनों के ना, वो भी एज मॉडल हम थे, मेरे सब बाल बहुत लंबे थे, अब वो बाल पर्म हो गए यहाँ से लेके वहाँ तक नीचे इस तरह से था, मैं मेरे डेड स्ट्रेट बाल थे, मुझे चेंज तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया मुझे, लेकिन जब वो बड़े होते गए और नीचे से वो बस रहते गए तो वो फिर काफ़ी साल लगे मुझे उनको दोबारा अपने बालों के तक, फिर एक टाइम पे मैंने बिल्कुल इतने अपने बाल कटवा दिए थे। तो तभी मैं आपसे कहती हूँ जैसे आपके बाल हैं वैसे ही रहे। उस ज़माने में मैंने जूड़े बनाने शुरू किए थे, तो ये भी मैंने जूड़े की पेंस ली थी। मुझे याद है ये मैंने ली थी हारून्स होता था एक, नहीं हारून्स नहीं, हारून्स होता था एक तो था ना, एनीबडीज होता था इस्लामाबाद में F7 में जनासपा में, वहाँ से मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, ये क्लिप्स तो दो तीन लिए, जूड़ा मैं बनाती थी इनसे ना अपना, ये उस ज़माने की है। अच्छा जी ये गोटे की अंगूठी थी, ये मेरी जो नीस है आयशा, उसकी ढोलक मैंने की थी, और उस ढोलक पे मैंने सबको एज गिव अवेज, ये एक वेबसाइट थी वहाँ से ऑर्डर करके ये रिंग्स मंगवाई थी, तो ये उसकी मेमोरी है मेरे पास एक। अब मैं थोड़ी सी अपनी जरकॉन की ब्लिंग ब्लिंग की तरफ चीज़ों की तरफ आती हूँ। ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और अभी मैं बहुत पहनती हूँ अपने वाइट सूट्स के साथ, ब्लैक सूट्स के साथ, ये मैंने ली थी H&M से बाहर से, ये बोल क्या। एक और रिंग है मेरे पास, ये मैंने ली थी कराची से, एक और रिंग है अभी कल मैंने पहनी हुई थी अंदर पड़ी हुई ब्राउन ली थी मेरी बहन ने ली थी, एक रिंग है ये बैंड है,
ये भी आपको क्लोजअप दिखाती हूँ इधर जी। हाँ जी, ये ब्लिंग ब्लिंग है मेरे बालों के लिए। ये मैंने उस दिन दिखाया था आपको, ये अब मैं लगा के भी किसी टाइम आपको दिखाऊंगी। ये वो है उलझना नहीं वैसे। अच्छा जी, एयरिंग्स भी मोती वाले। तोबा, मैंने कितनी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। ये मेरे एयरिंग्स उसी तरह के पिंक में है। ये रिंग मेरी, मैं अपने नेकलेसेस की तरफ के आती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये है बिल्कुल गले के साथ आप का पहनने वाला। ये मैंने, ये भी मेरे ख्याल से ज़ारा या H&M का है। इसके सेंटर में बल है, या तो जूलर को ही दूँ, वो ठीक कर देगा ना, वो ठीक कर देगा। अच्छा जी, अच्छा पता है उसमें जो लॉन की ऐसी शर्ट्स होती है ना, वो अक्सर फूली फूली सी रहती हैं, तो उनके साथ फिर ये आप कोई ना कोई पहनना अच्छा लगता है। ये है बहुत ही क्यूट, ये मैंने लिया था प्राइमार्क से, और इसके अंदर है ये वॉच है, घड़ी है इसके अंदर। अब खुलती कैसे, खुली, ये देखिए घड़ी। मुझे ऐसी डिटेल्स बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी जो है ना, ये बेचारा बहुत ही टैकल हुआ है। ये मेरी जो बहुत पहले की, जो मैंने बहुत मेहनत से जो चीज़ें मेहनत से ही सब खरीदा हुआ, लेकिन ये मैंने लिया था नेक्स्ट जो खुला था लाहौर में, जब नया नया खुला था ना, तो उससे मैंने एक ये अपने गले के लिए लिया था। ये भी मैं ज़रा सुलझा के ठीक करके रखूँ, खड़खड़ आएगी जो आपको बर्दाश्त करने के अलावा कोई वो चांस नहीं, वो नहीं है आपके पास। ये है, हाँ ये भी एक है चीज़ जी, मैंने ना इस पर अपनी वो की डाली हुई थी, वो मैंने निकाली हुई, दिखाती हूँ आपको। ये मेरे एयरिंग्स हैं जो बहुत पुराने हैं ज़रकॉन के। ये मैंने चांदी की एक शॉप थी, एक वहाँ से मैंने लिए थे, बहुत पुराने हैं ये चांदी और ज़रकॉन के, लेकिन बेचारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये मुझे वही जो मेरी आंटी नौरीन है ना, गुड़िया की मदर, उन्होंने मुझे लेके दिया था। ये चांदी का है और ये पाँव की अंगूठी में पहनने वाला है। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, कभी पहना, चप्पल के साथ पहनते। याद आ गया होगा सबको जो आजकल नेटफ्लिक्स पे सीरीज बहुत चल रही है। ये भी एक रिंग है मेरी। अच्छा, ये रिंग्स है खदीजा के, छोटे छोटे से क्यूट से, ये खदीजा के लिए थे। आप कह रहे हैं बहुत लंबी होती जा रही है वीडियो, मगर क्या करूँ, अब दिखाऊंगी सब दिखाना चाहती हूँ। इतने दो साल से इतनी वो मेरे पास, तो मैं सोची थी क्या दिखाऊंगी, इतनी जूली तो मेरे पास है नहीं। ये मैंने आप लोगों के सामने अलमीरा से एयरिंग्स लिए थे ईद पर, वो है। ये झुमके दिए थे मुझे अभी ईद पर मेरी जेठानी ने। ये मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है। और ये मैंने लिया था वही साथ जो आप बता रहे थे। अच्छा जी, ये सेमी प्रेशियस है, ये पहना भी बहुत है मैंने इसको। ये दोनों गोल्डन सिल्वर मैंने खाड़ी से लिए थे, आपको याद होगा सेल जो भी पिछले दिनों लगी हुई थी ना। ये पहले मैंने लिया था 2700-2800 कुछ का, और एक मैंने अपनी बहन को दे दिया था सादिया को, और एक फिर मैंने अभी ये दोबारा लिया है। अच्छा, एक और चीज़ है ये जब मैं, अब ये इतना टेढ़ा हो गया, इसको भी ज़रा मैं ठीक कराती हूँ, पता टेढ़ा कैसे हुआ है। ये मैंने लिया था लाहौर लिबर्टी से, और ये है जो आप जब आप साड़ी वगैरह मैं पहनती थी ना, तो यहाँ पे पहना जाता है ये। पता नहीं क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की हुई मैंने। अच्छा जी, अभी नेकलेसेस ख़त्म नहीं हुई, बहुत है, लेकिन अब जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। ये मेरा गोल्डन एक है, बहुत ही मुझे प्यारा लगता है, ये आपको आपसे शेयर करती हूँ।
थोड़ा सा ना इसको परफ्यूम से बचा के इनको रखना होता है, वरना ये कितना अच्छा है। इसके साथ ये सिल्वर, क्योंकि अक्सर मैं दोनों मिक्स करके पहनती हूँ, सिल्वर गोल्डन सिल्वर ना, ये दोनों मैं अक्सर मिक्स करके पहनती हूँ। ये भी मेरे बहुत पुराने नेकलेसेस में से है, अब इनके ना कलर कुछ फेड हो गए हैं, लेकिन स्टिल ये भी मैं पहनती थी। ये मैंने लिया था गोल्डन सिल्वर बेसिक से, दोनों मैंने जाके ना वहाँ से लिए थे। अब इसको क्या था, प्रमोट स्पेनिश एक था वहाँ पे ब्रांड, लेकिन अच्छे उनकी होती थी चीज़ें, इतनी महंगी भी नहीं होती थी। जब मैं आने वाली थी ना, तो वो इतनी उसे हमने शॉपिंग की, उसके प्रमोट के भी इतनी रेट्स ज़्यादा हो गए। मेरी फ्रेंड उमेरा कहती थी पहले तो जाता नहीं था इधर, हम जब से हमने लेने लगे तो प्रमोट भी इतना महंगा हो गया। ये मेरे पास पड़ी हुई है किसी टाइम की ना, पुरानी खदीजा की माथा पट्टी कुंदन की है, लाहौर लिबर्टी से ली हुई है। ये एक बिंदिया इसकी, मुझे इतनी ज़्यादा आती है ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, मैं ही उसकी ज़्यादा लेती थी। तो कभी कोई इस तरह चीज़ शॉपिंग वगैरह भी कुछ ना फरमाइश वगैरह इस तरह की नहीं, हाँ जब फरमाइश करती है फिर वो अच्छी महंगी होती है। एक है ये सिल्वर का, इसमें गोले गोले से, ये भी कम जो टाइम लगेगा इसको सुझा देंगे, सुझा देंगे इसको जी। ठीक है, अच्छा जी भी मेरा एक बहुत फेवरेट है, ये बहुत फेवरेट है मेरा, ये मैं पहनूंगी। मैं वाकई अब सोचूं कि इतनी मेरी चीज़ें हैं जो कि मैंने कम ही पहनती हूँ। हाँ मोतियों वाला ये भी मैं कह रही थी कुछ कम, ये भी है, ये भी उसी का बना हुआ है ताज का। अच्छा जी, ये बहुत फेवरेट और इतने कपड़ों के साथ जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। देखी एंटीक सा था, ये है मेरी ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या है, बहुत सारी वही अगेन यादें हैं, वक्त याद आता है। अच्छा उस सूट के साथ इसको लिया था, उस सूट के साथ इसको पहना था, ये किया था वो किया था, उस टाइम पर ये बच्चे छोटे थे और बस यादों की बारात है ये भी एक। तो मेरी भी आँखों को सुन ले, दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको है दिल दिया, वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब मेरे नाम कर उसे, तेनू दिल दा वास्ता।